तो गाइस आज की मंडे नाइट रॉ में हमारे बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर ने अपना बहुत धमाकेदार रिटर्न किया और कोडी रोड्स के ऊपर अटैक किया और गाइस हमारे जजमेंट डे ने अपना मलिंदा बैंक कैशिंग करने की कोशिश करी पर इस बीच में हमारी जजमेंट डे टूटती हुई नहीं रही। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना आपको पता चलेगा आज क्या हुआ मंडे नाइट रॉ में। तो गाइस आज की मंडे नाइट रॉ की स्टार्टिंग हमारे सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस करते हैं पर गाइस उसके बाद हमारे कोडी रोड्स उनको इंटरप्ट करते हैं और गाइस यहां पर हमें बहुत बड़ा शॉकर देखने को मिला क्योंकि हमारे द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर का म्यूजिक प्ले होता है और हमारे बीस्ट इनकार्नेट बिल्कुल निकल के आते हैं। उसके बाद कोडी रोड्स उनके ऊपर अटैक करने के लिए भागते हैं और गाइस दोनों के बीच वहीं ब्रॉल चालू हो जाती है। सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस बाहर निकल जाते हैं रिंग पे और ये दोनों रिंग में आकर लड़ने लग जाते हैं। उसके बाद गाइस हमारे कोडी रोड्स ने अपना कोडी कटर लगाकर ब्रॉक लेसनर को बिल्कुल रिंग के बाहर कर दिया और वापस अपना अपर हैंड और स्टैंड होल किया रिंग के अंदर और हमारे ब्रॉक लेसनर का बस यही तक का कोई सेगमेंट था। उसके बाद कोडी रोड्स ने ओपनली चैलेंज किया है ब्रॉक लेसनर को तो ठीक है। वैसे भी इनका मैच समर सेलर में पहले से फिक्स था और आज को हमारे ब्रॉक लेसनर अटैक करके बिल्कुल कंफर्म कर दिया। तो गाइस चलते हैं अपने नेक्स्ट एंड फाइनल सेगमेंट की तरफ। गाइस ये सेगमेंट हुआ हमारे जजमेंट डे के बीच में और हमारे सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस में, मतलब ये जब ही स्टार्ट हो गया था कोडी रोड्स का सेगमेंट खत्म हुआ उसके बाद ही इनका सेगमेंट स्टार्ट हो गया था और यहाँ पर हमारे जजमेंट डे आज सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस के ऊपर उलझी है। और गाइस उसके बाद हमारे डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस का एक मैच फाइनल हुआ मेन इवेंट के लिए और गाइस इस मैच में हमारे डेमियन प्रिस्ट भी होने वाले थे और उन्होंने अपना मनी इन द बैंक कैश इन करने की बात करी थी पहले। तो गाइस यहाँ पर हमारे डोमिनिक का और सेथ रॉलिंस का मैच चल रहा था। इस बीच में हमारे डेमियन प्रिस्ट ने बिल्कुल अपनी तरीके से मतलब मैच को हैंडल करने की कोशिश करी और हमारे यहाँ पर हमारे बिल्कुल डोमिनिक मिस्टीरियो हार ही रहे थे। इस बीच में हमारे डेमियन प्रिस्ट ने अपना मनी इन द बैंक कैश इन करने की कोशिश करी पर इस बीच में हमारा फिन बैलर आ गया और फिन बैलर ने आकर सेथ रॉलिंस के ऊपर अटैक कर दिया और उसके बाद गाइस इन दोनों के बीच में खटपट चलने लगी। इतने में हमारे सेथ रॉलिंस ने पेडिग्री लगाकर डोमिनिक मिस्टीरियो को और वहां से भाग गए, मतलब वो अपना टाइटल लेके वहां से भाग गए। और उसके बाद हमारे भाई फिन बैलर और हमारे जजमेंट डे के डेमियन प्रिस्ट के बीच में गाइस काफी ज्यादा खटपट देखने को मिली और देख के ही लग रहा है कि जजमेंट डे बहुत जल्दी टूटने वाली है। तो गाइस आज का आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ऐसा जरूर करें और गाइस ब्लड लाइन की बहुत सारी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो आप जरूर देख लीजिए और रोमन रिंग क्यों पिन हुए जे उसके हाथ में उसका वीडियो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो ऐसे ही और वीडियो देखने के